जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं इसे रक्षा बोला जाता है, कहीं कहीं पर राखी बोला जाता है। हम सभी को पता है कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन का त्यौहार हर साल सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है, तो इस बार भी मनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, अगर आपके अपने भाई को रक्षा बांध रहे हैं या फिर अपनी बहन से रक्षा बनवा रहे हैं तो उसी दिन आपको इस उपाय को करना चाहिए। अगर आप उस दिन इस उपाय को करते हैं तो आपकी किस्मत बदल जाएगी, यानी कि आपके भाई के पास इतना पैसा, इतना धन होगा, अपूत का धन होगा, पैसा वो संभाल नहीं पाएगा, इतना पैसा होगा। तो कैसे करना मैं आपको सब कुछ बताऊँगा। तो उससे पहले अगर आप लोग बागेश्वर धाम सरकार का आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इस वीडियो को आप लोग शेयर कर दीजिएगा। देखिए, यहाँ पर जो हम लोग रक्षाबंधन मनाते हैं तो क्यों मनाते हैं, मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ। देखिए, मैंने जैसे कि आप लोगों को बताया कि भाई बहन के प्रेम का प्रतीक रक्षाबंधन है और यह त्यौहार सावन के महीने में आता है, ठीक है। तो इस बार ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है 30 और 31 अगस्त को मनाया जाएगा। मैं आपको बता दूं, राखी बांधवाने का जो शुभ मुहूर्त है, मैं आपको बता दूं तो इस दिन जो राखी बांधवाने का शुभ मुहूर्त है 30 अगस्त 2023 रात 9:01 से लेकर के 31 अगस्त सुबह 7:05 तक रहेगा, ठीक है। तो ये कहीं कहीं पर आपको अपने पंडित जी से पूछ लेना चाहिए कि क्या यहाँ पर शुभ मुहूर्त रहेगा, लेकिन मैं आपको फिर भी बता दे रहा हूँ, ठीक है। अब चलिए मैं आपको उपाय बताता हूँ कैसे आपको उपाय करना है। तो सभी उपाय को आपको ध्यान से समझना चाहिए, उसके बाद आपको करना चाहिए। अगर आप एक भी उपाय रक्षाबंधन के दिन कर लेते हैं तो आपके भाई का किस्मत रातों रात चमक जाएगा, ठीक है। देखिए, रक्षाबंधन पर चंद्रमा अपने पूरे रूप में होता है। आप लोग, अगर आपको नहीं पता है तो आप लोग देख सकते हैं। मान्यता है कि इस दिन चंद्रदेव की पूजा करने से मन स्थिर होता है और मानसिक शांति प्राप्त होती है। यानी कि अक्सर आपने देखा होगा कि आपके भाई इधर उधर भटक रहते हैं, उनके दिमाग हमेशा स्थिर नहीं रहती है, तो आपको रक्षाबंधन के दिन इस उपाय को एक बार आजमा लेना चाहिए, ठीक है। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। देखिए, अगर आपके भाई का आर्थिक स्थिति बहुत कमज़ोर है तो आप एक बार इस उपाय को करिएगा। तो अगर कोई भाई देख रहा है तो अपनी बहन को ये वीडियो शेयर करेगा ताकि उनकी बहन ये उपाय कर सके, ठीक है। तो कैसे करना, देखिए, आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाने के लिए रक्षाबंधन पर भाई को अपनी बहन के हाथ में, ध्यान रखना क्या करना है, अपनी उसकी हाथ में बहन के एक गुलाबी रंग के कपड़े में चावल और सुपारी और 1 रुपए का सिक्का लेकर के, ठीक है, इसे बांधकर तिजोरी में रख देना चाहिए, या फिर आप जहाँ पर भी धन रखते हैं, कीमती सामान रखते हैं, वहाँ पर आपको रख देना चाहिए, ठीक है। कैसे करना फिर से एक बार समझा देता हूँ। रक्षाबंधन पर भाई को अपनी बहन के हाथ में, हाथ से, ध्यान रखना अपनी बहन के हाथ से ही कराना है, एक गुलाबी रंग के कपड़े, चावल, सुपारी और 1 रुपए का सिक्का लेकर के एक पोटली बनाना है। जहाँ पर भी आप पैसे रखते हैं, तिजोरी, गल्ला, वहीं पर आपको इसे रखना चाहिए, ठीक है। अगर इसे आप रखते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी, ठीक है। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ, अगला उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिएगा, उसके बाद करिएगा, ठीक है। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपके भाई के ऊपर कोई नज़र दोष है, आप उसे बचाना चाहते हैं, तो आपको एक बार इस उपाय को करना चाहिए। अक्सर हमने देखा है कि बहुत से यहाँ पर बहन होती है अपने भाई के लिए अपनी जान भी कुर्बान कर देती हैं। तो अगर आप चाहती हैं कि आपका भाई हमेशा स्वस्थ रहे, मस्त रहे, उसके ऊपर कोई नज़र दोष ना रहे, नकारात्मक शक्तियाँ हावी ना हो, तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। देखिए, आपको क्या करना है, आपको फिटकरी ले लेना है। कितना फिटकरी, आपको फिटकरी लेना है, ठीक है। फिर उसे आपको 7 बार अपने भाई के ऊपर से उतारना है, ठीक है। आपको कितनी बार, 7 बार अपने भाई के सर से उतारना है और उस फिटकरी को आपको क्या करना है, फिटकरी को आपको चूल्हे में डाल देना है, यानी कि जहाँ पर भी अग्नि होगा, जहाँ पर आग होगा, आप वहीं पर डाल देना है। या फिर आप आग में नहीं डाल पा रहे हैं तो किसी चौराहे पर आप इसे फेंक सकती हैं, ठीक है। ऐसा करने से नज़र दोष तो दूर होगा और आपका भाई हमेशा खुश रहेगा, ठीक है। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ, अगला उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिएगा। सभी उपाय बहुत ही पावरफुल होने वाले हैं, तो पहले मैं यही कहूँगा कि आप पहले ध्यान से समझिए, ध्यान से इसे समझेंगे जितना ना, उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। तो देखिए, चौथा उपाय आपको कैसे करना है, रक्षाबंधन पर ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का जाप करना है, ठीक है। कौन सा मंत्र, ओम सोमेश्वराय नमः मंत्र का आपको जाप करना है और दूध का दान करेंगे। क्या, दूध का आपको दान करना है। इससे क्या होगा, इससे चंद्र दोष जो होता है वो चंद्र दोष समाप्त हो जाता है। ऐसा करने से आपको मानसिक परेशानियों से छुटकारा मिलेगा, साथ ही साथ आपके घर में हमेशा सुख संपत्ति बना रहेगा। तो आप एक बार इस उपाय को अवश्य करिएगा अपने भाई के लिए। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ, अगला उपाय कैसे करना है ध्यान से समझिएगा।
देखिए रक्षाबंधन की जो दिन होता है बहुत ही पावन पर्व होता है भाई और बहन के लिए। तो उस दिन आपको सबसे पहले सुबह जल्दी उठना है, उठने के बाद आपको स्नान करना है, स्नान करने के बाद आपको सूर्य देव को जल समर्पित करना है, ठीक है। जब जल समर्पित करेंगे तो आपको तांबे के लोटे का उपयोग करना है। कौन से लोटा? तांबे का लोटा का उपयोग करेंगे। उस लोटे में आपको एक लाल फूल और चावल भी डालना। देखिए चावल जो होता है अक्षत का काम करता है, मैंने कई वीडियो में आप लोगों को बताया है। तो आपको चावल वहाँ पर डालना है, लाल फूल डाल करके आपको सूर्य देव को जल को समर्पित करना है, ठीक है। तो आप रक्षाबंधन की सुबह ये भी कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ, अगला उपाय कैसे करना है। देखिए रक्षाबंधन की सुबह आप जैसे मान लीजिए आपने उठ लिया और सुबह उठते ही आपने स्नान किया, ठीक है। जब आप स्नान करेंगे तो उसके बाद आप किसी हनुमान जी के मंदिर चले जाएंगे। कहाँ पर? घर के अगल बगल कहीं पर भी हनुमान जी का मंदिर होगा आप वहाँ पर जाइएगा। अगर हनुमान जी का मंदिर नहीं तो आप घर पे ही ये उपाय करिएगा। तो आपको क्या करना है, मंदिर में जाने के बाद नारियल मिठाई चढ़ाना है। क्या क्या? नारियल मिठाई और एक राखी आपको लेकर के जाना है। रक्षाबंधन होता है, आप उसे ले जाकर के हनुमान जी के चरणों में समर्पित करेंगे, जैसे कि आपको बांधना है। और बांधते वक्त आप हनुमान जी को अपना भाई मानिएगा, और भाई मानने के बाद आपको हनुमान जी से एक भाई के जैसे बात करना है कि हनुमान जी मेरा ये प्रार्थना है, हमारे साथ ऐसा ऐसा चल रहा है, इतना मैं दुखी हूँ, मेरी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है। मतलब आपको सब कुछ वहाँ पर बोलना है, और बोलने के बाद प्रार्थना करने के बाद वहीं पर आप बैठ जाइएगा, हनुमान जी का चालीसा का आपको पाठ करना है। वैसे मैं आपको बता दूं, जब भी आप हनुमान जी के मंदिर में जाए तो आपको हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करना चाहिए। मैंने आप लोगों को पहले से ही बता के रखा है कि मैं बागेश्वर धाम सरकार का एक शिष्य हूँ, उनका बहुत ही बड़ा भक्त हूँ। मैं आपको बता दूं, उनका हर एक वीडियो मैं देखता रहता हूँ, तभी मैं आप लोगों को सब कुछ बताता हूँ, ठीक है। और जो भी बताता हूँ मैं गूगल के द्वारा से ही बताता हूँ। और जब भी मैं हनुमान जी के चरणों में जाता हूँ, समर्पित करता हूँ अपने आप को, तो वहाँ पर बैठ करके मैं हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करता हूँ। मैं जब भी हनुमान चालीसा का पाठ करता हूँ तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे अंदर से बहुत ही अच्छा फील होता है, मुझे लगता है मैं हनुमान जी से कुछ जुड़ रहा हूँ, ठीक है। तो आपको एक बार अवश्य करना चाहिए। अगर आप हनुमान जी के बहुत ज़्यादा भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं, तो आपको फील तो जरूर आता होगा, ठीक है। अगर फील आता होगा तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। देखिए अगला उपाय आपको क्या करना है, यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन आपको हरी घास लेना है। क्या? हरी घास लेकर के आपको गौ माता को खिलाना चाहिए। गौशाला आप चले जाइए, वहाँ पर आपको धन, अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप धन दान कर दीजिए। आपको वहाँ पर गाय को घास खिलाना चाहिए, या फिर आप किसी गरीब आदमी को, जिस ज़रूरतमंद आदमी को आप खाना भी खिला सकते हैं, ठीक है। ये सब बहुत ही शुभ काम होता है, अगर आप करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य भी मिलता है, ठीक है। किसी अनाथ किसी गरीब को अगर आप किसी का सेवा करते हैं तो, ठीक है। अब मैं आपको अगला उपाय बताता हूँ। अगला उपाय आपको क्या करना है, रक्षाबंधन के दिन सुबह आपको स्नान करना है। स्नान करने के बाद घर के देवता पितृदेव और सप्त ऋषियों के लिए पूजा पाठ अवश्य करना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपको सुबह उठ करके अपने पितृदेवता जो भी होते हैं आप सभी को यहाँ पर आपको पूजा पाठ जैसे आप करते हैं आपको अवश्य करना चाहिए, ठीक है। तो हमने आपको इस वीडियो में बहुत से अच्छे उपाय बताए हैं, सभी उपाय बहुत ही अच्छे हैं। अगर आप ध्यानपूर्वक इन उपाय को करते हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को पहले से मैं बता देता हूँ, आप लोगों को हैप्पी रक्षाबंधन, आप लोगों का प्यार हमेशा अमर रहे, भाई बहन का प्यार हमेशा अमर रहे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा। जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम, जय जय हनुमान।